आज हम लोग बड़ा ही जरूरी टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो किसी क्लास में पढ़ता हो, हर किसी एग्जाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आंधी और तूफान कैसे आते हैं, हवाएं कैसे चलती हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ आप इसको समझिएगा, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और हर सवाल का आप जवाब दे सकते हैं, आंधी और तूफान कैसे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप समुंदर किनारे गए होंगे कभी, या आपने मूवीज में देखा होगा कि समंदर किनारे एक बड़ा सा गुब्बारा आसमान में उड़ता रहता है, उसके नीचे आग जलती रहती है और बहुत से लोग उसके अंदर एक टोकरी में बैठ के आसमान में उड़ रहे होते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा दिवाली वाले दिन आसमान से उड़ता एक दिया जा रहा होता है, गांव में उसको कहते हैं कि भूतों की बारात जा रही है। आज मैं आपको भूतों की बारात भी भेजने सिखाऊंगा, उसी से मैं आपको आंधी और तूफान भी बढ़ा दूंगा। तो सुन, आपको इससे पहले एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब हवा को गर्म करते हैं तो हवा हल्की हो जाती है। जब हवा को क्या करते हैं, जो हवा गर्म जो हवा होती है वो क्या होती है, हल्की हो जाती है। आपको याद रखना है, हवा को जब गर्म करते हैं तो हल्की हो जाती है, और हल्की चीज़ का काम क्या होता है, जो हल्की वस्तु होती है उसका काम होता है ऊपर उड़ना, ऊपर वो उड़ेगी। आपको याद रखना है, उड़ेगी वो, ठीक है ना। अब सुन गौर से देखिएगा, सबसे पहले समंदर किनारे एक बड़ा सा गुब्बारा आसमान में उठता है, उस गुब्बारे के नीचे आग जलती रहती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब तक गुब्बारे के नीचे आग जलेगी, गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म होगी, और गर्म जो हवा होती है वो हल्की होती है, और हल्की चीज़ का काम होता है ऊपर उड़ना। तो हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर उड़ेगी तो गुब्बारा भी उड़ेगा और आप लोग उस टोकरी में बैठ के आराम से उड़ेंगे, ये होता है नियम। दूसरा, आपने देखा दिवाली वाले दिन बजाने के पटाखे से कपड़ा सा आता है, डिब्बा आता है, आप उसको ऐसे पकड़ लेते हैं बिल्कुल कपड़े जैसा, बिल्कुल बारीक सा, उसके नीचे आप क्या करते हैं, दिया जला देते हैं, आप उसको पकड़ के रखते हैं, दो चार मिनट के अंदर दिया जलने से उस डिब्बे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, और हल्की चीज़ का काम होता है ऊपर उड़ना। तो हवा ऊपर उड़ने की कोशिश करती है, तो जैसे वो डिब्बा हलचल शुरू करे तो आप उसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा, आसमान से उड़ता हुआ दिया जाएगा, जिसको भूतों की बारात कहते हैं। आपको याद रखना है, और याद रखिएगा, जहाँ दिए का तेल या घी खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब वो बारात कहीं भी लॉन्च कर सकती है, कहीं भी लैंड कर सकती है, ये नियम होता है। इसी नियम से मैं आंधी और तूफान बनाने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। सुन, मान लीजिएगा हमारे पास कोई एक जगह है, देखिएगा ये है ए, कोई एक जगह है, ये कोई दूसरी जगह है बी, ये मान लेते हैं हम लोग। तो सुन, आप जानते हैं, मान लिया कि सबसे ज्यादा आंधी और तूफान अप्रैल मई और जून में आते हैं सबसे ज्यादा, और दोपहर के बाद आते हैं, 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे अप्रैल मई और जून में, और दोपहर के बाद सबसे ज्यादा आंधी और तूफान आते हैं। किसी ने जनवरी में धूल भरी आंधी नहीं देखी होगी, क्यों, गौर से सुनिएगा। देखो स्टूडेंट, हमने मान लिया जून का महीना हो, जून के महीने में मान लिया दोपहर के 4 बजे का वक्त है, और हम जहां हैं वहां जबरदस्त गर्मी है 4 बजे जून के महीने में, और हम कहां हैं, हम इस जगह हैं जून के महीने में, ये बात आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट, दोपहर के 4 बजे का वक्त है, जबरदस्त गर्मी है, उस गर्मी की वजह से धरती गर्म हो जाएगी, रास्ते गर्म हो जाएंगे, मिट्टी गर्म हो जाएगी, दीवारें गर्म हो जाएंगी, रोड गर्म हो जाएंगे, वो सब कुछ गर्म होने से हवा गर्म हो जाएगी, और हवा जब गर्म होती है तो क्या हो जाती है, हवा हल्की हो जाती है, और हल्की चीज़ का काम होता है ऊपर उड़ना। तो यहाँ की हवा गर्म होने के बाद, हल्की होने के बाद हवा ऊपर चली जाएगी, हवा कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब यहां हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, हवा की मात्रा कम हो जाएगी, आपको याद रखना है, क्योंकि हवा कहां चली गई, ऊपर चली गई, तो यहां हवा की मात्रा कम हो जाएगी, या हम लोग कह सकते हैं यहां दबाव कम हो जाएगा, दोनों बातें हम लोग बोल सकते हैं यहां जहां हम लोग हैं। इसी समय 3-4 बजे कोई दूसरी जगह है, ये रही दूसरी जगह, यहां मौसम में क्या है, ठंडापन है, यहाँ मौसम में ठंडक है, हल्के फुल्के बादल है, तो यहाँ हल्के फुल्के बादल है तो मौसम थोड़ा ठंडा होगा, मौसम ठंडा होगा यहाँ तो हवा भी क्या रहेगी, यहाँ की हवा भी ठंडी रहेगी, और हवा अगर हमारे पास हवा ठंडी रहेगी तो इसका मतलब हवा ठंडी, हवा भारी होती है, हवा अगर भारी होगी तो यहाँ हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ हवा की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी, याद रखना है।
या हवा की मात्रा ज्यादा होगी या क्या, तो हवा का दबाव क्या हो जाएगा, हवा का दबाव ज्यादा हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप जानते हैं ये जो हवा जो ज्यादा है ये इस खाली जगह को भरने के लिए हवा इधर चल पड़ेगी, इधर चल पड़ेगी, या कहते जहां का दबाव ज्यादा है वहां से हवा किस तरफ चल पड़ेगी, कम दबाव की तरफ चल पड़ेगी। रास्ते में क्या करेगी, कागज पोलोथीन धूल मिट्टी सब कुछ उठा लेगी और धूल भरी आंधी आ जाएगी। तो स्टूडेंट आपको याद रहेगा जिस जगह जबरदस्त गर्मी होगी वहां हवा गर्म होने के बाद हवा हल्की होगी और ऊपर उठ जाएगी, तो उस जगह हवा की मात्रा कम रह जाएगी, हवा का दबाव कम रह जाएगा। कोई दूसरी जगह जहां मौसम में ठंडक है वहां हवा ठंडी होने से हवा भारी होगी, तो नीचे हवा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, हवा का दबाव ज्यादा हो जाएगा। अब वो ज्यादा हवा उस खाली जगह को भरने के लिए ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ चल पड़ेगी, ठीक है ना, रास्ते में धूल मिट्टी पोलोथीन उठा लेगी और धूल भरी आंधी आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पे एक सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि आंधी तूफान कैसे आते हैं, याद रहेगा। ऐसे और भी अच्छे अच्छे मजेदार टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।